सतना शिवपुरी से लोकसभा प्रत्याशी लोकेंद्र सिंह हुए कांग्रेस में शामिल। बीएसपी के उम्मीदवार द्वारा गत दिवस सिंधिया के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली गई, जिससे बीएसपी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इससे पूर्व राजगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी द्वारा भी अपना नाम वापस ले लिया गया था। साथ ही उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रत्याशी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने लोकेंद्र सिंह ने कांग्रेस में शामिल हो गए। बिल्कुल नहीं, और महाराज साहब का आशीर्वाद प्राप्त है, इसमें चमकने वाली कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज से पहले नहीं था, नहीं आज भी हम उनके साथ हैं। देखिए आपका कैंपेन, एक मिनट, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने, और वो व्यक्ति अगर निर्णय ले कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए, तो उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए। और अगर चर्चा एक दूसरे को जानने के बाद उस व्यक्ति को लगे कि हमको साथ मिलके काम करने में, हम दोनों साथ मिलके इस क्षेत्र का अधिक विकास कर सकते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर जिसके लिए आप लड़ाई लड़े हो 5 साल, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका भी सम्मान होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं महाराज के कार्यों से अवगत था, तो प्रत्याशी तो लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है, लेकिन जब मैं क्षेत्र में भ्रमण किया, यकीन मानिए हर एक व्यक्ति के मुँह से, हर एक युवा के मुँह से, हर एक महिला, हर एक मातृशक्ति के मुंह से केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, माननीय श्रीमान ज्योतिराय सिंधिया जी। और मैंने भी एहसास किया, महसूस किया कि अगर कोई व्यक्तित्व इतनी शिद्दत के साथ, इतनी तमन्ना के साथ इस क्षेत्र में विकास कर रहा है, इस देश का विकास करने में सहयोग दे रहा है, तो निश्चित रूप से हम भी कहीं और न भटकते हुए उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और इस क्षेत्र को एक नया आयाम दें विकास।